पिछले एपिसोड में हमने धुले शहर की सैर करते वक्त कुछ चुनिंदा स्थानों को देखा था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कई अन्य जगहों पर मैं आपको सैर कराने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। पिछले महीने में मेरी माँ का देहांत हो गया, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, और मैं जानता हूँ कि आप सभी वीडियो के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे कई लोग हैं जो किसी कारणवश, पढ़ाई हो या कुछ काम हो या कुछ और रीजन की वजह से, धुले शहर को छोड़कर किसी अन्य शहर में स्थित हुए होंगे, और उनको एक सवाल जरूर पूछा गया होगा, ये धुले आया कहाँ? तो मजबूरन हमें एक यही जवाब देना पड़ता है कि भाई मालेगांव से आगे या जलगांव के पास। तो क्या यही एक अपनी पहचान है, इस धुले शहर की पहचान है? जी नहीं। तो आइए मेरे साथ आपको असली धुले की पहचान कराता हूँ। पांझरा नदी के तट पर बसा हुआ यह शहर उत्तर महाराष्ट्र के खानदेश रीजन का एक हिस्सा है। इसे पश्चिमी खानदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का इतिहास काफी पुराना एवं प्राचीन है। कहते हैं कि प्राचीन युग में इसका असली नाम रसिका हुआ करता था, और किसी दौर में इसे धुलिका पट्टन के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं शताब्दी के अंत के समय धुले, मुगलाई और देवपुर ये छोटे छोटे कस्बे हुआ करते थे, जिनकी जनसंख्या केवल 2500 ही थी। सन 1818 के मराठाओं के पराजय के बाद इस प्रदेश पर अंग्रेजों की सत्ता प्रस्थापित हुई। अंग्रेजों ने व्यापारिक और यातायात के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानकर खानदेश को जिला घोषित किया, और नए धुले शहर को सुनियोजित तरीके से रचना करते हुए इसको जिले की राजधानी बनाया। कैप्टन ब्रिक्स की निगरानी में नए शहर की रचना का कार्य शुरू हुआ। शुरुआत में नए सरकारी दफ्तर, पब्लिक ऑफिसेस, अदालत और अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। भारत रत्न श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने इस शहर की सुनियोजित संरचना करते हुए नए धुले को व्यापारिक केंद्र बनाने की शुरुआत की। इतना ही नहीं, आसपास के बांधों से बिना बिजली की खपत किए केवल गुरुत्वाकर्षण के बल पर शहर तक पानी पहुंचाने की प्रक्रिया को कार्यान्वित किया, जो आज भी सुचारू रूप से कार्यशील है। इस तकनीक को अभिनव जल सिंचन पद्धति या फड़ पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। वैसे और भी कई विरासत संजोए हुए हैं ये शहर, तो बने रहिए मेरे साथ। ये है पुराना आगरा रोड, जो आज का मुख्य व्यापारिक केंद्र है। नए धुले का मुख्य आकर्षण है यहाँ की सात गलियां, जिन्हें सुनियोजित तरीके से बनाया गया है, जिसकी वजह से धुले शहर को चंडीगढ़ के बाद दूसरी प्लांट सिटी का दर्जा हासिल हुआ है। यह है राजवाड़े मंडल का वस्तु संग्रहालय। इतिहासाचार्य श्री विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े द्वारा संग्रहित पांडुलिपियां, उत्खनन के दौरान मिली हुई प्राचीन कलाकृतियां, मूर्तियां, हथियार, ऐतिहासिक दस्तावेज, किताबें इत्यादि वस्तुओं का संग्रह राजवाड़े संशोधन मंडल के वस्तु संग्रहालय में आज भी उपलब्ध है। कहते हैं इस इमारत का उद्घाटन उस समय पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। अब हम आए हैं गरुड़ ग्रंथालय एवं वाचनालय में। इसकी स्थापना 1854 में की गई थी,
और लगभग 165 साल पुरानी ये लाइब्रेरी आज भी धुरे शहर की एक शान है। गरुड़ वाचनालयाची स्थापना इंग्रजांच्या काळात 1854 साली झालेली आहे। आता जवळपास 165 वर्ष या संस्थेने झालेली महाराष्ट्रात दोन नंबरवर असलेली सगळ्यात जुनी संस्था आहे। वाचनालयाच्या संदर्भात किंवा ग्रंथ संपदा ठेवण्यासाठी आपल्याकडे कमीत कमी 148 कपाट आहेत। त्याच्यामध्ये आज तागायत नोंद असलेले 89,000 पुस्तकांची नोंद आपल्या वाचनालयाच्या रजिस्टरमध्ये आहे। ती सर्व पुस्तकं आपल्या या ठिकाणी उपलब्ध आहेत। 10 ते 15 वर्षापासून आम्ही अभ्यासिका मोफत चालवत आहोत। त्यामध्ये बसणारे विद्यार्थी पासून मोठमोठ्या पदांवर नोकरी लागलेले आहेत। धुळ्यात कोणी वाचनालय म्हटलं तर फक्त गरुड वाचनालय एकच नाव तुम्हाला डोळ्यासमोर दिसेल। ये है जिला कारागृह। आजादी के आंदोलन के दौरान पूज्य साने गुरुजी एवं विनोबा भावे जी को इसी कारागृह में रखा गया था। इसी जेल में कैद रहते वक्त विनोबा भावे जी ने अपनी गीता प्रवचन ने लिखी थी। धुले शहर को खानदेश की शिक्षण नगरी भी कहा जाता है। आस पड़ोस के गांव और शहरों से छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए इसी शहर में आते रहते हैं। यहाँ के प्रख्यात कमलाबाई गर्ल्स हाई स्कूल, जैन हाई स्कूल, झेड़बी पटेल कॉलेज एवं SSUPS संस्थान द्वारा संचालित डिग्री एवं इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य कई संस्थानों की वजह से धुले शहर को खानदेश की शिक्षण नगरी का दर्जा हासिल हुआ है। यहाँ के जवाहर फाउंडेशन द्वारा संचालित डेंटल एवं मेडिकल कॉलेज और हीरे मेडिकल कॉलेज जैसी संस्थान भी मौजूद है। इन सब के अलावा धुले शहर में क्रीड़ा प्रेमियों के लिए जिला क्रीड़ा संकुल भी उपलब्ध है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर गुंदूर में स्थित है हवाई अड्डा, जहाँ आम पब्लिक के लिए जॉय राइड की सुविधा भी उपलब्ध है। धुले शहर में कई धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल हैं, जहां लोग अपनी श्रद्धा और आस्था की वजह से इन जगहों पर नियमित आते जाते रहते हैं। यहां की एकविरा देवी का मंदिर प्रमुख आस्था का केंद्र है। इसके अलावा बालाजी मंदिर की रथ यात्रा भी बहुत मशहूर है। We'll be right back.
हिंदुओं के अलावा जैनियों के जिनालय एवं जैन मंदिर भी यहाँ देखने जैसे है। ईसाइयों का प्रमुख आस्था का केंद्र सेंट एंड चर्च और देवपुर चर्च, सिखों का गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब जी धुले शहर के प्रमुख आकर्षण केंद्र है। जूने दुल्हे में स्थित खूनी मस्जिद का इतिहास मुगल कालीन है। इस मस्जिद को सन 1630 में शाहजहां ने बनवाया था और इसके अलावा दाता सरकार की दरगाह भी एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं, तो इन जगहों पर अवश्य भेंट करें। कहा जाता है किसी जमाने में धुले शहर दूध के लिए बहुत मशहूर था। आज भी महात्मा जी का दूध एवं दूध की मिठाइयाँ बहुत मशहूर है। अगर आपने गोपाल टी की चाय नहीं पी तो एक बार जरूर यहाँ की चाय का आनंद उठाए, मजा आ जाएगा। जयराम सिंह की गर्मा गर्म जिलेबी पूरे जिले में मशहूर है, इससे खाना तो बनता है। सुबह का नाश्ता और नाश्ते में अगर पोहा खाना है तो सुभाष टी के पोहे जरूर खाइए। और अगर आपको कचौरी पसंद है तो गया प्रसाद की कचौरी से बेहतर और कोई नहीं। अगर आप चाट खाने के शौकीन हैं तो जय भोले के रगड़ा पेटिस जरूर ट्राई कीजिए, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। साई प्रसाद के साबूदाना वड़े की बात ही कुछ अलग है, इन्हें भी एक बार जरूर ट्राई करें। और आपको सबसे बढ़िया टेस्टी और चटपटी दाबेली खानी है तो अग्रवाल की दाबेली के बिना और कोई जगह नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप यहां बार बार आएंगे। एक
वैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको सिंधी की मिसल के बारे में बताया था। यहाँ की मिसल आज भी जुबा पर राज कर रही है। दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था धुले शहर के इन सिनेमा घरों में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी फिल्मों के फर्स्ट डे फर्स्ट शो को देखने के लिए लोगों की भीड़ बेकाबू हुआ करती थी। लेकिन आज ये सारे सिनेमा घर वीरान खंडर में तब्दील हो गए हैं। क्या आप जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार श्री राम सुतार का संबंध धुले से है? सिने अभिनेत्री स्मिता पाटिल, पल्लवी पाटिल, एडवोकेट हरीश सालवे, इन सभी का नाता धुले से है। और तो और, लता मंगेशकर का ननिहाल भी धुले जिले के थालनेर में है। इन महान हस्तियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नाता धुले से जुड़ा हुआ है। यह धुले वासियों के लिए एक अभिमान की बात है। धुले शहर के आसपास घूमने के और पर्यटन के लिहाज से और भी कई स्थान हैं। धुले शहर से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर रोकड़बा हनुमान जी का जागृत मंदिर है। इसके अलावा यहाँ का लांडोर बंगला बाबा साहेब अंबेडकर जी की वजह से प्रसिद्ध है। धुले शहर के उत्तर में सोनगिर का किला, पश्चिम में भामेर का किला तो दक्षिण में लड़िंग का किला है, जो खानदेश के स्वर्णिम इतिहास की गवाही आज भी दे रहे हैं। धुले शहर के पश्चिम में नकाने तालाब टहलने और पिकनिक मनाने का सुंदर स्थान है। इन सब के अलावा और भी कई स्थान हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों को धुले शहर का असली परिचय हो सके। आपके सुझाव और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।